ये रहा भाई कायदेजम का घर। कोई चैलेंज हो ना तो आप कमेंट में लिख सकते हैं भाई, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि करें। क्या देख रहे हैं यहाँ पे खड़े होके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। सीन कुछ यूं है आज का कि हमको तीन फ्राइज वाले ढूंढने हैं, तीन फ्राइज वाले। आज मुश्किल ये है कि आज संडे का दिन है तो मुश्किल होगा, तो चले आए फिर शुरू करते हैं भाई। पिछले जो हमने चैलेंज किया था उसमें ना चप्पल पहन के निकल गए थे, तो सीन कुछ यूं हुआ कि चप्पल से चलते 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 जो है ना वो लाल हो गई थी जगह और जलन भी की थी दो दिन तक, तो मैंने कहा शूज पहन लेते हैं तो बस स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये स्टार्ट नहीं किया मैंने कि भाई कितना किलोमीटर आज चलेंगे, और वो जो मैप वगैरह बनता है कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। इसको कर देते हैं स्टार्ट यहाँ पे। क्या हो गया? ठीक है शुरू हो गया सेवन, ठीक है शुरू हो गया भाई। तो ये मैप वगैरह बना देगा, तो अभी हम लोग इस जगह पे मौजूद है और चलें फिर देखते हैं कहाँ पे मिलता है हमें प्राइज वाला सबसे पहले। अच्छा इस तरह मोबाइल लेके निकलना जो है ना, डर लगता है कि हमारे साथ रोड पे शॉपिंग ना हो जाए कहीं। भाई पहला फ्राइज वाला तो यही मिल गया हमारे एरिया में, और अब देखो दूसरा देखो कहाँ मिलता है। संडे के दिन है, संडे के दिन बहुत लोग मैच खेलते हैं, तो ये बच्चे जो है ना यहाँ पे खेल रहे हैं मैच सारे बच्चे। अच्छा मेरे को उम्मीद थी कि यहाँ पे चिप्स वाला कोई ना कोई हो जाए। हाँ हाँ ये रहा, एक और मिल गया भाई, एक और मिल गया। दो तो समझो कि हमारे एरिया में ही हमको मिल गए चिप्स वाले, ये रहा भाई। ये पार्क के आगे से गुजर रहे थे तो काफ़ी ग्रिले गायब लगी, तो यहाँ की भी कुछ ग्रिले गायब है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, चर्सी रात में कार्रवाई। तो भाई चलते चलते जो है वो एम ए जीना रोड पे निकल चुके हैं हम लोग, यहाँ से जाएंगे तो सीधा आएगा नुमाइश, ठीक है, और यहाँ से जाएंगे तो सीधा आएगा केमाड़ी। तो अभी डिसाइड में कर रहा हूँ कहाँ जाऊँ, मेरा ख्याल है कि केमाड़ी चलते हैं, केमाड़ी की साइड। तो चलो फिर केमाड़ी के साथ निकलते हैं हम लोग। भैया जी वही गोल्डन मार्केट का रोड है जहाँ पे आम दिनों में गाड़ियां क्या इंसान भी सही तरह नहीं चल पाते, और आज अपना ही राज है इस पूरे फुटपाथ के ऊपर, कोई भी नहीं है भाई। काफी गोल्डन मार्केट का रोड हमने चल लिया, अगर चिप्स वाला कोई भी नहीं मिल रहा, और आगे जो है वो केमाड़ी लगता है, तो हम सोच रहे हैं कि अंदर कुछ बाजार खुल रहा है तो यहाँ से निकले तो कोई ना कोई मिल जाए ना। रोड पे तो एकदम सन्नाटा लगा हुआ है आज, तो बाजार कुछ खुला हुआ है, तो ये सोच रहे हैं कि यहीं से हम लोग आगे बढ़े। हाँ जी बाजार खत्म हो गया, मगर हमें कोई चिप्स वाला नहीं मिला, फ्राइज वाला। अभी थोड़ा सा ये और भी बाजार आगे है, मगर इतनी रौनक नहीं लग रही इस बाजार के अंदर, बस अंदर अंदर से ही निकलने की कोशिश करेंगे, अंदर अंदर से निकलते 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 कोई फ्राइज वाला मिल जाए। तो दो तो आराम से मिल गए थे, तीसरा वाला नहीं मिल रहा भाई। अंदर से निकलते निकलते खारा दर पे निकल आए, और खारा दर पे निकलते निकलते हमने क्या देखा, कायदेजम का घर। ये रहा भाई कायदेजम का घर, मगर चिप्स वाला नहीं मिला हमें भाई। उम्मीद है कि हमें जो है ना ये खारादर तो मेन फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे शायद मिल जाए, मगर अभी दोपहर का वक्त है तो पता नहीं शायद हो या ना हो, कुछ कह नहीं सकते भाई। यहाँ पे उम्मीद थी कि मिल जाए, तो यहाँ पे जो है वो हमें चिप्स वाला तीसरा भी मिल गया है, तो हमारा चैलेंज तो हो गया है कम्प्लीट, मगर हम लोग जो है अभी घर पैदल ही चले जाते हैं यहाँ से, तो घर जाके फाइनल करेंगे। अच्छा हम सोच रहे थे कि चिंची वालों का ये स्टॉप दिखा तो बोल सोचा कि यार चिंची में बैठ के चले जाते हैं, मैंने कहा नहीं 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 यार वॉक करके चले जाते, थोड़ा सा ये दूर है घर। ओए होए भाई मैं ऐसे गुजर रहा था, ककरी ग्राउंड का जो है ना लुक ही चेंज कर दिया एकदम। अभी अंदर जाने का मौका पता नहीं किस तरह मिलेगा, मेरे को नहीं पता, मगर पहले तो ये सीन था कि कभी भी अंदर घुस जाओ। ओहो माशाल्लाह भाई क्या बनाया है। अच्छा ये रेलिंग लगाई है, इनसे कहूँगा भाई इन रेलिंगों का खास ख्याल रखो,
किस वक्त है ना हीरोइन जी यहाँ पे पहुंच जाए और ये रेलिंग निकालना शुरू कर दे। जो भी यहाँ से गुजर रहा है ना देख के मतलब देख रहा है इसको अच्छी तरीके से देख रहा है बार बार, मतलब ये बाइक भी गुजर रही है यही बातें हो रही है। पहले तो एकदम ये वो था मिट्टी, पूरी मिट्टी मिट्टी थी, अब तो घास वगैरह फुल फुटबॉल का पूरा निज़ाम वगैरह बनाया हुआ और भी कुछ अंदर चीज़ें है। अब ये पता नहीं किस टाइमिंग क्या है, कल आगे शायद हो सकता है राउंड मारे टाइमिंग पूछ के जाएं आगे। भाई दुकान वालों से पूछी इसकी टाइमिंग तो दुकान वालों को आइडिया नहीं है, मगर एक बंदे ने बोला यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है उससे पूछो जाएगी टाइमिंग वगैरह, तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं निकला भाई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। क्या देख रहे हैं यहाँ पे खड़े होके? हाँ क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या देखिएगा यार सब देख रहे हो, मैंने कहा पता नहीं क्या देख रहे हो। गांव का पत्थर देख रहे हैं। कौन सा आपके गांव का पत्थर है, कौन से इलाके का है ये? शावर के, ये तो यहाँ के, ये जो एक पत्थर लगा हुआ है ये पत्थर उधर होता है। अच्छा वहाँ पे होता है गांव में, इसलिए देख रहे हो हमारे गांव का पत्थर लिया है यहाँ पे। हमारा गांव में पत्थर भी बिकते हैं। आपके गांव में? आपके गांव में। हमारा गांव तो है ही नहीं, यही है ना तुम्हारा गांव, हम पिशावर को थोड़ी है। इसकी टाइमिंग क्या, टाइमिंग क्या है? 6:00 भाई टाइमिंग जो है ना वो बकरी ग्राउंड की वो 6:00 है, शाम के 6:00, तो इंशाल्लाह अगर कल टाइम मिला तो यहाँ का ग्राउंड मारेंगे हम लोग। हाँ भाई जहाँ से गए थे वापसी आ गए हैं, अब यहाँ पे बैठे हैं, थक गए बच्चे वहाँ पे जो है ना कंचे खेल रहे कल्ली जोड़ी इसको बोल रहे। अच्छा भाई आज के सारे जा रहे हैं, हम लोग आ गए तो जा रहे हो क्या? जीत गए, जीत गए। अच्छा भाई आज का जो था वो थोड़ा सा कम है, 2.89 किलोमीटर और टाइमिंग ये हुई है हमारी 54 मिनट, स्टेप 5000 से ऊपर ही गए आज भी, और कैलोरीज 212 जली है। भाई आज का जो चैलेंज था वो आसानी से कंप्लीट हो गया, कोई इतनी मुशक्कत नहीं हुई हमें, और कल अगला चैलेंज फ्राइज वालों को ही ढूंढना होगा, मगर उसमें ये बात होगी कि 10 को ढूंढना होगा क्योंकि आज संडे था, इसलिए हमने कहा 3 को ढूंढे, मगर 3 में तो है हमारा तेल निकल गया, पसीना भी आपको महसूस हो रहा होगा। तो चले भाई कल इंशाल्लाह 10 को ढूंढेंगे अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो। अल्लाह हाफिज़। अगर चैलेंज पसंद आए तो प्लीज़ यूट्यूब के उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई चैलेंज हो ना तो आप कमेंट में लिख सकते हैं भाई, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि करें। अल्लाह हाफिज़।